विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1,00,000 से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427935116। सोशल मीडिया पर 35,00,000 से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्रा, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विशिष्टतम स्वाध्याय माला के अंदर हम सभी लोग मिल रहे हैं, जिनके अंदर आज मैंने ऑफिशियल एक लाइव आप सभी के लिए तैयार किया है कि कैसे 15 तारीख से ये जो पूरी तरह से ये महामंगलकारी विशिष्ट साधना हम करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए। इस भक्ति अनुष्ठान के अंदर, इस ध्यान साधना के अंदर हम सभी लोग साथ में मिलकर के 15 दिन हमारे घर को, हमारी साधना को, हमारी भक्ति को, हमारी मुक्ति को कैसे हम इस स्वाध्याय माला के विधान के साथ में एक ऐसी चैतन्य शक्ति के पूरे घर के सारे मेंबरों को अद्भुत ऐसी ऊर्जा का संचार हो, इसी भावधारा से अभी मैं आप सभी के सामने लाइव आया हूँ। तो बहुत नई नई चीजों को भी आज घोषणा करने वाला हूँ। जो जो भी अनमेरिड है आपके परिचित में, जो जो भी अनमेरिड है, उन सभी की आप राशि भी डाल सकते हो, और इनके साथ में हम आज पूरे डिटेल में चर्चा कर सकेंगे कि कौन सी राशि वालों को किस राशि के, वैलेंटाइन डे आ रहा है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी के शादी के बंधन के अंदर बंधना चाहते हो, तो क्या ऐसा करें कि जिससे आपका शादी का जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो उसको हम डिटेल से बहुत विगतवार तरीके से इसको हम जानेंगे, समझेंगे और पूरी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए कि हमारी 15 तारीख से जो विशिष्टतम आध्यात्मिक श्रेणी शुरू हो रही है, जैन अनुष्ठान की ओर से टेम्पल थेरेपी का सुंदर साधना महोत्सव का शुभारंभ, रोज सुबह में आप एनी टाइम 24 घंटे में कभी भी ये पूजा कर सकते हो। मैं आपको लाइव जो पूजा कराऊंगा वो सुबह में एवरीडे 6:30 से 7:15 रहेगी। पुण्य वृद्धि संकल्प सिद्धि अनुष्ठान, ये अनुष्ठान खास करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अनहद कार्य पुण्य धन की प्राप्ति के लिए, तो जो जो लोगों को कर्जा हो गया है, जो जो लोगों को लग रहा है कि यार बहुत ब्लॉकेज आ रहे हैं आर्थिक रूप से, तो उन सभी को बराबर ये प्रार्थना परमात्मा का विजय पता का अनुष्ठान है। रोज आपको 27 गुलाब या 27 लौंग या 27 चावल, खास करके ये पुण्य वृद्धि, और करीबन पूरे भारत में से हमारी जो धारणा है, हमारे जैन अनुष्ठान के सारे जो आराधक है, 5,000 से भी ज्यादा लोग रोज इस दिव्य साधना में जुड़ेंगे। तो खास करके आप एक विस्फोटक पुण्य की, लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं और आप चाहते हो कि मेरा कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठतम समय है, श्रेष्ठतम साधना है, और बहुत अल्प चीज में ये बराबर आप स्वयं बैठिए, स्वयं उसका शुभारंभ कीजिए। तो आज से पूरा मंदिर का शुद्धिकरण, सारी चीजों को साफ कर लीजिए, और खास करके पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति सारे आचार्य भगवान, सारे गुरु भगवान, विशिष्टतम साधक, विशिष्टतम उपासक और उनके द्वारा दी गए ग्रंथ माला के साथ में, हमने अभी 1008 पद्मावती माता का जो अनुष्ठान किया है, जो लोगों की अनुभूति हो रही है, जो लोगों को लाभ हो रहा है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो आइए वापस, अभी 3-4 दिन बचे हैं, बराबर पूरे मंदिर को साफ करते हुए, बहुत सारी प्रतिमा फोटो है तो फटाफट उसका विसर्जन करते हुए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके मंदिर का फोटो हमें फटाफट भेज दीजिए,
15 तारीख को सारे संकल्प विधान कि 2022 में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो वो पूरी तरह से हम आपको सकारात्मक शब्द में लिखाएंगे। 16 तारीख को जितनी भी आपके घर में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होगी, फोटो होगी, उन सभी के ऊपर वास्केप से, धूप से, आपको बढ़िया से बढ़िया वास्केप आप कल लेकर के आ जाना है, सुगंधित धूप लेकर के आ जाना है। स्थानकवासी भी हो तो सुगंध या अत्तर जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का घर सकारात्मक, क्योंकि कुछ ना कुछ, कहीं आपका बेडरूम गलत होगा, कहीं आपका किचन गलत होगा, कहीं आपका एंट्रेंस गलत होगा, पूरे साल के लिए चले ऐसी पावरफुल ऊर्जा हम ये 15 दिन में आपको देने वाले हैं। तो बराबर ये रुद्राक्ष महोत्सव भी साथ साथ में चल रहा है, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों के घर में, जिन जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है वो भी आप हमें लिख करके भेजें, इनके लिए भी हम बढ़िया से बढ़िया रुद्राक्ष तैयार करके हम आप सभी लोगों को भेजेंगे। तो खास करके 16 तारीख को तीर्थंकर भगवान की पूजा होगी, 17 तारीख को जितने भी मणिभद्र जी है, नाकोड़ा बेरू जी है, क्षेत्रपाल देव है, जितने भी देव है उनकी 17 तारीख को पूजा होगी, देवियों की पूजा, कुल देवियों की पूजा 18 तारीख को, 19 तारीख को सारे गुरुओं की स्थापना, जिनके जीवन में अभी तक गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है, तो गुरुओं की स्थापना 17 तारीख को, 18 तारीख को, खास करके गुरुओं की स्थापना 19 तारीख को, जितने भी यंत्र है, किसी का से सिद्ध चक्र यंत्र आया है, किसी का से विजय पता का यंत्र आया है, कोई भी यंत्र आपके घर में है उन सभी की पूजा आप करना चाहते हो, यंत्रों का महिमा क्या है, आपने घर में कितने यंत्र रखने चाहिए, उन सभी की डिटेल में आपको हम पीडीएफ भी देंगे जो रजिस्टर मेंबर है उनके लिए। संघ कितने प्रकार के है, आपने इधर उधर चेन्नई से, दरिया किनारे से, दुनिया भर में से, दुकानों में से संघ तो ला दिया, लेकिन उस संघ की ऊर्जा नहीं आ रही है, लाख रुपए का संघ है, 10 लाख का संघ है, मजा नहीं आ रहा है, तो जो मजा है, वो जो आनंद है, वो ऊर्जा है, वो करोड़ों रुपया कमा करके समाज के अंदर उत्तमोत्तम जो उत्थान करना है उनके लिए संघ का पूजन होगा। जितनी भी अंगूठियां है, जितने भी स्टोन आपने पहने हुए है, जो जो भी लोग स्टोन पहनते हैं उन सभी के लिए अद्भुत स्टोन की पूजा भी हम खास करके कराने वाले हैं। तो ये स्टोन की पूजा हो जाएगी, साथ साथ में कोड़ी, गोमती चक्र, पिरामिड, नवे नव ग्रहों की शांति, आपने पूरे विश्व भर में कहीं से भी आपने पत्रिका दिखाई है, कोई भी आपको पूजा बताई है और आप चाहते हो कि हम तीर्थंकर भगवान जैन विधि से हम पूजा करें, तो आपके लिए 26 तारीख एक ऐसा सुनहरा दिन होगा जिस दिन आप अपने घर पे अपनी जगह के ऊपर बैठ करके नवे नव ग्रह की विशिष्ट शांति विधान करेंगे। वास्तु दोष की पूजा, सकारात्मक घर के अंदर वास्तु ऊर्जा बढ़े, जो नेगेटिविटी है वो दूर हो और पॉजिटिविटी बढ़े, उसके लिए वास्तु के जो मंत्र है, भक्तामर के जो मंत्र है, आप सभी लोगों को एक एक वास्तु यंत्र दिया जाएगा, पूरी तरह से उसका स्थापन कराया जाएगा। आपकी पत्रिका में पितृ दोष है, जिनको पिता होते हैं उनको पिता का शुभ फल भी मिलता है और पिता द्वारा किए गए कर्ज है, वायदे है, कोई भी प्रकार की गलती है उसके बेटे को भुगतनी पड़ती। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ बीमार है, माँ के अंदर जो बीमारियां है वो बीमारी यदि सही समय पे ठीक नहीं हो गई तो वारसागत, ये भक्तामर रिलिंग हम हर व्यक्ति को क्यों रजिस्ट्रेशन करा रहे, कुछ लोग बोलते नहीं करना है, नहीं करना है, बाद में करेंगे, हजारों लाखों रुपये, आज 7 केस कैंसर के पेशेंट हमारे पास आए, लाखों रुपये का पानी हो गया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, किसी ने अपनी मम्मी के लिए, किसी ने अपने भाई के लिए। यदि आप प्रचंड पुण्य चाहते हो, स्वस्थता चाहते हो, अपने पैसे को इधर उधर बेड़पना नहीं चाहते हो, तुरंत 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 आप ये सामूहिक गुण ऊर्जा में रजिस्ट्रेशन करा के आप जैसे एक बीमा उतारते हो, ये पुण्य बीमा है और ये ऐसा पुण्य बीमा है कि इस जन्म ने अगले जन्म में भी आप प्रचंड पुण्य लेकर, क्योंकि आपके जीवन में आप लाख प्रयत्न करो पर 5000 लोगों को एक साथ में पूजा नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें लाखों रुपया लग जाएगा। तो ये वास्तु दोष, पितृ दोष और 1 तारीख को सारा नेगेटिव बेड एनर्जी रिमूव करके एक सकारात्मक सोच के साथ में हम ये विशिष्ट कोटि का विजयोत्सव मनाएंगे, जिसके अंदर आपको पहले दिन अभिषेक का जल, जहाँ पर आपके आसपास में मंदिर है वो जल ला करके पूरे घर में छिटकना है,
गुलाब जल मिल जाए उसकी दो चार बोतल ला देना है रोज, 27 पुष्पक, 27 लौंग, 27 चावल, जो मिल जाए इजीली जो आपके पास अवेलेबल हो, दिया धूप अक्षत नैवेद्य फल अष्टगंध जरूर रखना है। अष्टगंध के अंदर वो जो एनर्जी है जो ताकत है, फटाफट 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 जैन अनुष्ठान के वहां पर संपर्क करके अभी तुरंत मंगा लीजिए। वासस्केप, रोज आपको वासस्केप से पूजा करनी है, खास करके पूजा के वस्त्र, नए वस्त्र, अंगुलुचना, बड़ा थाल जिसके अंदर आप सारा सामान रख सको, एक बाजोट जिसके ऊपर ये सारा सामान को आप सजा सको। तो इसी प्रकार से आप पूरी तैयारी को करते करते ये 15 तारीख से 1 तारीख हम सभी लोग विजयोत्सव मनाएंगे। और हमारे घर में ऐसी ऊर्जा, जो नहीं मानने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, जो कम मानने वाले हैं, जो ज्यादा मानने वाले हैं, उन सभी की मंगल कामना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। तो इसी भावधारा के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते हम सभी लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक के 14 तारीख को कैसे हम विश करें। बहुत सारे लोग प्रेम की सौगात में आगे बढ़ने के लिए कागज और पेन लिख ली ले लीजिए। आपकी राशि जो भी आपके परिचित में अनमेरिड है, उनका जो आपका आपको राशि बता है, तो उनका खास करके पूरी तरह से आप इसमें डालिए कि उनकी राशि क्या है। आज हम एक विशिष्ट विषय को लेकर के आए हैं, जिस विषय का नाम है कि जो भी अनमेरिड है किस राशि के साथ मैरिज और दोस्ती करनी चाहिए, जो आपके जीवन को एक एक्सट्रीम लेवल के खुशी के लेवल के ऊपर ले जा सके। तो बहुत सारे लोग फटाफट 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 जुड़ते हुए, नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए कागज और पेन ले लीजिए। आपका काका मामा फुआ फैबा भाई जो जो भी लोग हैं, जो जो भी अनमेरिड हैं, उनके लिए हम ये पूरी तरह से अद्भुत लाइव लेकर के आए हैं। इस लाइव के अंदर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इस साल हमारे हजारों भाइयों बहनों की शादी हो जाए, हजारों भाइयों बहनों का एक नया जीवन का शुभारंभ हो, एक अच्छा दोस्त मिले। वैलेंटाइन डे के ऊपर अलग अलग और कुछ चीजों आप करो या ना करो, लेकिन एक चीज जीवन में अच्छा एक दोस्त मिल जाएगा, अवश्य में आपके लाखों रुपये और गलत मार्ग से आप बच सकते हो। तो कौन सी राशि के लिए कौन सा दोस्त आपको रखना बहुत अच्छा है, उचित है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को लिखा रहा हूँ। उसके पहले फटाफट फटाफट आपका नाम इस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और इस वीडियो को जमकर वीडियो को शेयर करते हुए किस राशि के व्यक्ति को किस राशि के साथ मैरिज करना चाहिए और अच्छा बढ़िया एक पूरी तरह से दोस्त रखना चाहिए, जिसके अंदर हम पूरी तरह से समझेंगे कि वसंत का ये मौसम है, ये जो मौसम चल रहा है वो वसंत का मौसम है, और इस वसंत के मौसम के अंदर हम पूरी तरह से साधना कर रहे हैं, पूरी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह से आराधना कर रहे हैं। खान उलझे, ओके। अब राशि सभी लोग मीन राशि दर्श लिख रहे हैं, मीन राशि कपिल वो सब लिख रहे हैं। हम एक एक राशि का लाइन से एकदम सिंपल सा, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ही आपके भाग्य का घड़वैया बन सकते हैं। हमारा एक ही मोटो है कि यदि समस्या है तो समाधान भी है। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जितने भी जातक है, जिनका नाम मेष राशि से शुरू होता है, उनको शादी करना है, तो सबसे श्रेष्ठ यदि कोई राशि है तो तुला राशि है। मेष राशि अग्नि की राशि है और तुला राशि वायु की राशि है, दोनों का जो बैलेंस है, तो बैलेंस के हिसाब से संबंध के अंदर, क्योंकि मेष राशि जो है वो मेष राशि की भावना तुला में जाकर के संतुलित हो जाती है। यहां पर पूरी तरह से हजारों लोग 14 तारीख के बाद ऐसा भविष्य गोल्डन निर्माण करें, तो यदि परफेक्ट रिश्ता आपको जोड़ना है, हजारों पत्रिका देखने के बाद जो हमें सारांश मिला है,
क्योंकि हर मेष राशि को मैक्सिमम कुंडली मिलान करके आप तुला राशि वाले कोई भी व्यक्ति के साथ यदि शादी करते हो तो बहुत इजीली आपका पूरी तरह से जीवन आगे बढ़ता है। आप पार्टनर बनाना चाहते हो, आप बिजनेस पार्टनर, आपका कोई दोस्त बनाना चाहते हो कि जो आपको संभाले, मार्गदर्शन करे, आपको एक अच्छे राह के ऊपर लेके जाए, तो मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको वृषभ राशि के दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रेम भी बरसेगा। और यदि आपके पास वृषभ राशि का दोस्त होगा, ये मैं राशि की बात कर रहा हूं, लग्न की नहीं, ये बराबर खास करके आप समझ लेना, तो यदि आपके पास वृषभ राशि का दोस्त होगा तो जीवन के अंदर मान मिलेगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और कोई भी चीज का आपके पास अभाव नहीं रहेगा। तो इसके लिए दूसरे नंबर की राशि है वृषभ राशि। कॉमन हर राशि के मैं आपको गुणधर्म बताता हूं, क्योंकि आप नए साल चालू हो चुका है, थोड़ा सा बदलाव लाइए जीवन के अंदर। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बदलाव लाता है वही सफलता को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करता है वही जीवन के अंदर खुशियों को प्राप्त। वृषभ राशि की जो स्वभाव जो है वो जिद्दी स्वभाव, पजेसी स्वभाव, बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाना, डिसीजन के अंदर कोई एक बात उन्होंने ठान ली हो, सामने वाला पक्ष कितना भी कोशिश करे नहीं मानेंगे, तो उसके लिए वृषभ का कॉमन अर्थ होता है बेल, बेलों की तरह दिखते बहुत अच्छे हैं वृषभ राशि वाले, जितने भी होंगे दिखेंगे बहुत अच्छे पर बड़े अड़ियल होते हैं। यदि अपने जीवन को, मेरे जीवन को आप बहुत शानदार बनाना चाहते हो तो आप लिख लो कि वृषभ राशि वाले सभी जातकों को, खास करके वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि वो भावनाओं के भरे हुए रहते हैं, आपको भावनाओं से भर देंगे। वृषभ राशि वाले को प्रेम से आप कुछ भी बोलो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि वृषभ राशि वाले को दूसरी कोई राशि लेना है तो उनके लिए खास करके यदि कोई श्रेष्ठतम राशि है तो उस राशि का नाम है सिंह राशि। कंट्रोल कर लेंगे, सिंह राशि का गुणधर्म है कंट्रोल करना। तो वृषभ राशि वाले जितने भी लड़के लड़कियां, भाई बहन शादी में बाकी है, आप जीवन में अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो, आप मार्ग से भटक गए हो, आप सुपर सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हो, तो हर वृषभ राशि वाले व्यक्ति को, क्योंकि वृषभ राशि वाले को डिप्लोमेसी नहीं आती है, जैसे है वैसे दिख जाते हैं, उनको ड्रामा करना नहीं आता है, समझ में जो आया वो बोल देंगे, कब कहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो थोड़ा इतना दिमाग लगा के नहीं बोलेंगे। तो कि हर वृषभ राशि वाले व्यक्ति को जीवन के अंदर सफल बनने के लिए कन्या राशि वाले जो भी है, क्योंकि कन्या राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का पार्ट उसका बहुत अच्छा रहता है जीवन के अंदर। यदि आप वृषभ राशि वाले, आप कन्या राशि वाला एक दोस्त रख देंगे तो जीवन में सफलता और साथ और मुश्किल दौर में भी आप आगे निकल जाओगे। बहुत जबरदस्त बुद्धि कन्या राशि वालों के पास होती है। तो इसी प्रकार से सोनल जी ने लिखा है, सोनल शाह, सभी लोग फटाफट अपनी अपनी राशि डाल रहे हैं, मिथुन राशि को दोस्त कौन हो सकता है। बहुत बढ़िया, आपने तो सोनल शाह नाम लिखा है लेकिन प्रश्न मिथुन राशि वालों के लिए पूछा है, तो जरूर 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 हर मिथुन राशि वाले को अपना दोस्त तुला राशि वाले को बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन को हंसते खेलते कैसे जीना वो सबसे बढ़िया तुला राशि वाले ही जान सकते हैं। मिथुन राशि वाले भारे कंफ्यूजन होते हैं, उनके जीवन का पूरा सार देखे तो किससे प्यार करा, पूरा मैरिज के इंटरफेयर अपन बात कर रहे हैं, प्यार किसी और से करते हैं, शादी के बारे में किसी और से सोचते हैं और अंत में जाकर के उनकी जो जीवन की गाड़ी है कहीं और जाकर के ही खड़ी रह जाती है। और इसी के लिए कंफ्यूजन बहुत रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी। मिथुन राशि वाले जितने भी लड़के लड़कियां नजीक के भविष्य में मैरिज और दोस्ती करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन पात्र कन्या राशि और मीन राशि के जातक, कमिटेड इंसान, बहुत मिलता जुलता और आपकी तरह खूबसूरत और चंचल रहेंगे, आनंद से रहेंगे और कभी आपको, क्योंकि मिथुन राशि किसी के दबाव में नहीं रहेगी। यदि मिथुन राशि वाले जातक जितने भी हैं
यदि कन्या राशि और मीन राशि के लड़के लड़कियों से शादी करेंगे तो कभी भी आपको दबाव, पर्याप्त मात्रा में स्पेस, पति पत्नी दोनों अतिशय आनंदित रहोगे। तो मिथुन राशि वालों को यदि शादी करना है, आपके परिचित में जो जो भी मिथुन राशि वाले हैं उनको कन्या राशि और मीन राशि के लड़के लड़कियों के साथ यदि आप शादी करते हो तो लंबे समय तक वो शादी अच्छी जाती है, लंबे समय तक दोनों का जीवन आनंदित रहता है। और दोस्त, जो मैंने आपको बताया कि तुला राशि वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो दुख में भी हंसना जानते हैं, खुश होना जानते हैं। तो मिथुन राशियों कि जब जब भी आपके अंदर बुराइयां आ जाएगी तब आपको ये तुला राशि वाला आपका जो दोस्त है वो आपको फटाफट उसमें से बाहर भी निकाल देगा और हंसना भी सिखा देगा। आइए कर्क राशि के लिए किन किन लोगों ने कमेंट करा है। कर्क राशि वाले लोगों को यदि आप डूब गए हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, शादी करना चाहते हैं, आपके परिचित में मैं आपको एक बहुत विनम्रता के साथ में कहना चाहूंगा कि कर्क राशि यानी प्रेम की बात, इतने प्रेमाड़ लोग रहते हैं कर्क राशि वाले, इतने भावनात्मक रहते हैं और बहुत प्रेमाड़ की राशि भी कर्क राशि है, प्रभावित भी जल्दी हो जाते हैं किसी से और परेशान भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे कर्क राशि वाले लड़के लड़कियों के बायोडाटा चल रहे हैं, मीटिंगें चल रही है, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि आज मीटिंगों के अंदर ही 5-5, 10-10, 25-25 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं। सैकड़ों बार बंबई के अंदर हम जब जाते हैं बड़े बड़े घरों के अंदर, इतनी मीटिंगें हो जाती है फिर भी पक्का नहीं होता है। तो खास करके पहले तो फटाफट आप जैन अनुष्ठान के अंदर आपकी सारी सभी की पत्रिका व्हाट्सएप करें और नक्की करें कि आपके लिए बेहतर रिश्ता क्या है, कैसे आप आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे इसी साल अब आपकी शादी कर सकते हो। क्योंकि कर्क राशि वाले तुला और मकर राशि, तुला राशि का मतलब होता है तराजू, बैलेंस करना, तो ऐसे तुला राशि वाले के साथ जैसे ही आप करते हो, मकर राशि के लिए श्रेष्ठतम भावना और एक्शन का पर्याय, सबसे अच्छा संबंध तुला राशि वालों के साथ होगा। और कभी कभी आप जब कमजोर हो जाओ, बहुत लागणीशील हो जाओ, कोई अपनी चीज दूसरे को सड़ाक दे दो तो मकर राशि वाला आपका पार्टनर होगा लड़का या लड़की, तो आपके लागणीशील पार्ट को, आपकी भावनात्मक इमोशनल पार्ट को बैलेंस करना मकर राशि के जातक को बहुत अच्छे से आता है। कर्क राशि वाले शेयर बाजार करते, अलग अलग प्रकार के फाइनेंस के बिजनेस करते, और यदि आपको लग रहा है कि मेरा बराबर मैनेजमेंट नहीं चल रहा है तो मेष राशि का आप अच्छा एक दोस्त बनाइए। कर्क राशि वालों के पास ऊर्जा की यदि जब भी कमी होगी तो ये मेष राशि का दोस्त आपको मार्गदर्शक भी बनेगा और भावनात्मक रूप से आपको मजबूत, कभी आप बहुत हद से ज्यादा इमोशनल हो जाओ तो उस वक्त आपको ये आपका दोस्त सपोर्ट करेगा। बहुत सारे कुंभ राशि, सूरज जी राम, पारस शाह, कन्या राशि, एक के बाद एक हम राशि ले रहे हैं जिसके अंदर खास करके शादी का ये सीजन जो वसंतोत्सव है, आज भरपूर प्रमाण में शादियां हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सिद्ध अधिकार है अच्छे योग्य गुणवान सुशील कन्या के साथ, और कन्या है तो अच्छे गुणवान पुरुष के साथ वो मैरिज करे और जैन अनुष्ठान वो आपके मंजिल तक पहुंचाने में मंत्र थेरापी, मेडिटेशन थेरापी, ध्यान थेरापी, कैसे आप ही आपके भाग्य के घड़वैया बने, कहीं पर आपको जाने की कोशिश नहीं करवे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिला करके आप अपने जीवन को आनंदित रूप से आगे बढ़ा सके। तो कि सिंह राशि वाले के अंदर जो अच्छी बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बुरी बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कि सिंह राशि के जितने भी जातक है क्या देखना पड़ेगा, तो कि सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, खास करके एक जो आपकी मेंटालिटी है कि सब कुछ मेरे पास है, बार बार आप आपकी ताकत का प्रदर्शन करते हो, चीजों के ऊपर जबरदस्ती करते हो,
क्योंकि वो सभी के अंदर सबसे पावरफुल चीजें आपको जो ध्यान रखनी है, समझनी है, गतिमान करनी है, वो चीज है। और ये लाइव मैंने क्यों किया है, आज हजारों शादियां टूट रही है, एक गलत विवाह लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। आज जैन अनुष्ठान के पास आप प्रिडिक्शन लेकर के मैक्सिमम सही रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो जबरदस्ती है सिंह राशि वाली की, वो कौन झेल सकता है, क्योंकि उसके लिए दो ही राशि इनको टक्कर दे सकती है। और दो राशि के साथ यदि आपका जीवन है, आपका जीवन इतना पावरफुल होगा। पहले नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। हर सिंह राशि को पहली कोशिश करना है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले के पास बुद्धिमान है, वो उनको संभाल लेंगे। और दूसरे नंबर में सिंह राशि वाले जातक वृषभ राशि के साथ करें, क्योंकि वृषभ राशि वाले टक्कर देते हैं और एंड के अंदर दोनों का मिलन हो जाता है। तो कि मधुर जीवन, आनंदित जीवन यदि सिंह राशि वाले जीना चाहते हैं, तो आपको खास करके वृश्चिक राशि और वृषभ राशि बहुत 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 बेस्ट है। सिंह राशि वाले को दोस्त कैसा बनाना चाहिए, आप प्रपोजल किसको रखेंगे, तो कि मीन राशि वाले को आप दोस्त बनाइए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मीन राशि वाले जातक, क्योंकि वो कभी कभी खास करके आपके स्वभाव को बदल देगा। सिंह राशि के अंदर इतने सद्गुण है, इतनी क्रिएटिविटी है, वो सभी लोगों को संघर्ष कम करना सिखा देंगे। तो खास करके हर सिंह राशि वाले एक अच्छा दोस्त अपना बनाए मीन राशि का, फिर आप देखो 2022 में कितना शानदार रिजल्ट और परिणाम मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राशियां लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं, और उसी के अंदर नाम आता है पारस जी शाह, जिन्होंने वीडियो को बहुत शेयर किया है कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों बताना, दोनों बताऊंगा तो आप आपके जीवन को बैलेंस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया है कन्या राशि वालों के लिए, बहुत जो अच्छी अच्छी क्वालिटी, अच्छी अच्छी चीज जो हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो कि इस धरती के ऊपर सबसे गणित वाला यदि कोई इंसान है, हर चीज में गणित करे ऐसा इंसान है, फायदा कहाँ होगा वो देखने वाला इंसान है, इस शादी से मुझे लाभ कितना होगा वो गिनने वाला इंसान है, इस शादी से मुझे कितना नुकसान होगा ये गिनने वाला इंसान है, इसमें कितनी जरूरत है, तो कि वो सारी चीज एक ही राशि में मिलेगी, उसका नाम है कन्या राशि। ज्यादा बुद्धि से हर चीज को समझना। और एक चीज आपको बता दूं, हर बात में सलाह देना, इतना गणित, इतना कैलकुलेशन करना कि गणित स्वयं फेल हो जाए कि ये क्या हो रहा है, हर चीज में कैलकुलेट करना ये कैसा वो कैसा, हर चीज को दिमाग से तोलना। और इसके कारण बहुत दुख से मैंने इतने सारे मेरे करीबियों को देखा है कन्या राशि के, कि इनके साथ इतना अच्छा होने वाला रहता है, कोई गणितज्ञ है, बुद्धिमत्ता है, सरल है, विनम्रता है, लेकिन कभी भी कन्या राशि वाले जातक पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके गले में हार आने वाला ही रहता है और वहां कहीं दूसरी जगह पे भ्रमित हो जाते। तो सभी कन्या राशि वाले जातक मेरे आत्मीय जैन अनुष्ठान परिवार के साधकों को मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दिमाग का उपयोग कम कर दो, ये हर जगह पे कैलकुलेशन लगाना है वो कम कर दो। दिमाग को जितना कम लगाओगे, इस धरती पर सबसे नंबर वन पर आप रहोगे। तो मीठा मधुरा संबंध बनाना है, भी कन्या राशि हो गई, शादी करना जरूरी है, तो दो चीज मिथुन या मकर, ये दोनों में से लड़का या लड़की आप चुन लीजिए, तभी आपका जीवन मीठा मधुरा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और यदि आप कन्या राशि के हैं, तो आपका मैनेजर है, आपका मंत्री, आपका खास करीबी दोस्त है,
आप अवल्ल कोटि की सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए कुंभ राशि वाले यदि जो है, अब सत्ता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, जीवन में भावनाओं के बिना कभी भी कोई चीज नहीं मिलती है, प्रेम हर चीज में जरूरी है, तो प्रत्येक कन्या राशि के जातक को मिथुन और मकर राशि के जातक से शादी करनी चाहिए और दोस्त कुंभ राशि का चाहिए, वो आपको सदैव प्रेम की बातें और बराबर जीवन यापन को ऐसा बैलेंस करता रहेगा। बहुत 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 ये अद्भुत बातें चल रही है। सुमन जी मेहता लिख रहे हैं जन्म राशि, जन्म राशि ही गिनी जाती है, कुंडली के अंदर जो राशि आपकी लिखी गई है उस राशि का कैलकुलेशन गुरुदेवों के पास से हमारे पास आया है और वो कैलकुलेशन हम आपको हजारों जैनियों को इस कैलकुलेशन से शादियां हुई है वो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। तुला राशि क्या करेंगे, तुला राशि वाले जातक कैसे अपने सफलता को प्राप्त करेंगे और उस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी राशि जरूर 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 कमेंट के अंदर लिखनी है। प्रेम की सबसे बड़ी, कर्क राशि के बाद यदि सबसे बड़ी कोई राशि है प्रेम के मामले में तो उस राशि का नाम है तुला राशि, जबरदस्त प्रेम की राशि, जिसके सामने वैलेंटाइन डे कम पड़ जाए, रोज जिसको प्रेम हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, बसंत हो या ना हो, वैलेंटाइन डे हो या ना हो, तुला राशि वाले जातक को हर रोज प्रेम हो सकता है, विवाह के बाद भी प्रेम हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें और उस सावधानी के अंदर ऐसा पार्टनर आप लाइए कि आपके जीवन के अंदर रोमांच भर जाए। तो कि तुला राशि वाले सभी जातकों को मकर कर्क राशि आपको विशेष समझेंगे, कोशिश करेंगे आपके जीवन को संतुलित बनाएंगे और मुश्किली में राहत दिलाएंगे, बहुत अच्छा आपकी लाइफ के अंदर वो लाएंगे और बहुत अच्छा लाने के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन की राशि है तो ये दोनों राशि के साथ यदि आप शादी करते हो तो बहुत उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। तुला राशि वाले जितने भी जातक है, खास करके आपको बढ़िया एक जो दोस्त बनाना है कि जो प्रेम और रिश्तों की पीड़ा से बचाए, इधर उधर रिलेशनशिप बन जाए फिर आप तनाव टेंशन में दुखी रहो, तो एक वृषभ राशि का दोस्त बना दीजिए, आपको बहुत 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 संतुलित बना देंगे। और ये संतुलितता को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए ये अद्भुत लाइव जो चल रहा है और लाइव के अंदर आप सभी लोग अपने अपने संकल्प, अपने अपनी बातें, अपने अपने प्रश्न जो डाल रहे हो, वो प्रश्न के अंदर वृश्चिक राशि के जातक जब तक उनको छेड़ेंगे नहीं, वृश्चिक राशि की जो खासियत है और जो प्रॉब्लम्स है खास यहां पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा, वृश्चिक राशि वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं, उनको आपने छेड़ लिया तो अब छेड़ने के बाद बड़ी मुश्किली होगी, समझ लेना, यदि उनको आपने छेड़ा है बड़ी मुश्किली को आप आमंत्रण दे रहे हो। और इसी के लिए जितने भी हमारे पूरी तरह से वृश्चिक राशि वाले हैं उनको दो चीज आप समझ लेना कि वृश्चिक राशि वाले कमिटमेंट होते हैं, जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं, और जान ले सकते हैं और जान दे सकते हैं, तो सभी भी आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों को शादी करना है तो उनके लिए बे राशि बहुत 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 लाभदायी है। वृषभ राशि और कुंभ राशि बिल्कुल बैलेंस युक्त जीवन, बिल्कुल शांति युक्त जीवन,
बिल्कुल सफलता युक्त जीवन यदि आपको प्राप्त करना है। वृश्चिक राशि मतलब बिल्कुल गहराई तक जाकर के सागर के मोती निकाल सकते हैं। कुंभ राशि का भी यही कारण है। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, वो खास करके क्या करेंगे ऐसी साधना, क्या करेंगे ऐसा अनुष्ठान, क्या करेंगे ऐसी भक्ति, क्या करेंगे ऐसा उपासना कि उनको पूरी तरह से लाभ मिले, शांति मिले, सफलता मिले, आनंद मिले। और इस आनंद की परिभाषा को देखने के लिए, समझने के लिए हम सभी लोग अलग 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 विषयों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन्हीं के साथ में, इन्हीं के अनुष्ठान के साथ में, इन्हीं की भक्ति विधान के साथ में हमको पूरी तरह से ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेममय बनाना है। तो आप धनु राशि वाले एक जातक को दोस्त बना लीजिए, फिर आप देखिए कैसा अद्भुत परिणाम आपके जीवन में आता है, प्रेम में, रिश्ते में, जीवन में, अनुशासन में। कुमार्ग कभी 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 अनुशासन तोड़ देते हैं, वृश्चिक राशि वाले नशे के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन सभी के अंदर सही सलाह देने वाले यदि कोई है तो धनु राशि के जातक है। धनु राशि के जातक के लिए बताया कि किस राशि से उनकी शादी होगी, कहां पर उसका मिलन होगा, कहां आनंद युक्त जीवन होगा। तो यहां पर बहुत सरल रूप से बता रहे हैं कि जितने भी धनु राशि वाले जातक हैं, आप समझ लेना, धनुष का मतलब सदैव जिनके हाथ में धनुष है, सदा लड़ने के लिए जो तैयार है, अटैक करना, हमला करना, धनु यानी अटैक, झगड़ा करना, हर चीज में वाद विवाद, अपने गुस्से को सही करना, क्योंकि उनका जीवन बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि उनकी शादी जब कन्या राशि से हो जाए, उनकी शादी जब मीन राशि, इंटेलिजेंट जो राशि है, और यदि धनु राशि वाले अपने जीवन को उच्चतम जीवन बनाना चाहते हैं तो मेष राशि का एक आप दोस्त बना लो, सही समय पर सफलता का रास्ता दिखाने के लिए मेष राशि वाला दोस्त आपको हर पल सपोर्ट करेगा। मुश्किली के सही समय के अंदर कभी कभी धनु राशि वाले जातक को आप पीछे मुड़कर, वो आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे मुड़ करके देखते तो उनके साथ सपोर्ट में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं दिखता है। तो उस वक्त सपोर्ट सिस्टम उनकी बहुत, खुद अकेलापन महसूस करते हैं। तो आप यदि चाहते हो तो बढ़िया से बढ़िया मेष राशि के जातक आपके जीवन को आनंद से भर देगा। अंतिम राशियों के लिए जो कॉमेंट आ रही है, मकर राशि, तो कि मकर राशि वाले जितने भी जातक है, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर पुण्यतम राशि, पुण्यतम आनंद, पुण्यतम खुशी, पुण्यतम अनहद कृपा भगवत की वर्षे, और जल्दी जल्दी इसी साल आप सभी लोगों की शादियां हो, इसी साल आप आनंदित जीवन को जी सके, तो क्या करेंगे? तो ये मकर राशि वालों की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे बड़े वो इमोशनल रहते हैं और बहुत पैसों के पीछे, मटेरियल सारी चीजों के पीछे वो भागते रहते और इसी के लिए वो अपनी लाइफ में संतुलन नहीं बना पाते। तो आपको एक ही कोशिश करना है कि संतुलन वाली कौन सी लड़कियां हैं, संतुलन वाली कौन सी राशियां हैं। तो कि मकर राशि वाले जातकों को तुला राशि और कर्क राशि के लड़के लड़कियों के साथ जब आप शादी का प्रस्ताव लेकर के जाते हो, मीटिंग करने के लिए जाते हो, अवश्य में सफलता का चांसेस बहुत 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 बढ़ जाता है। मकर राशि वाले दोस्ती किससे करें? कुंभ से मित्रता करो। आर्थिक रूप से पार्टनर, ये मैं सारा लाइव इसके लिए कर रहा हूं जो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सभी लोग पूरी तरह से 2022 का ऐसा भविष्य बनाइए, रोज भागने से कभी रुपया नहीं बनता है, प्रॉपर जीवन को सिस्टमेटिक रूप से ढालने से, समझने से, और उसके बाद एक कदम रखने से हजारों प्रकार की प्रसिद्धियां।
करोड़ों रुपए का मालिक बनते हैं। आप मकर राशि के जातक हैं और आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो कुंभ राशि से मित्रता करो, आर्थिक रूप से आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और नेगेटिव में से छुटकारा मिलेंगे। और अंतिम हमारे दर्श शाह ने लिखा है कमेंट के अंदर, वीडियो भी बहुत शेयर किया है, मीन राशि कुंभ राशि का भी बाद में बताऊंगा। जय यादव जी लिख रहे हैं शादी पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आपकी जीवन को, आपको जैसी लड़की दिख रही है, गम रही है, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है और ये कॉमन जो कैलकुलेशन बिठाया है, आप जरूर उस चीज के अंदर आप आगे बढ़िए और बहुत खुशहाली परमात्मा आपको दे। क्योंकि मीन राशि वाले जातक को धनु और कन्या राशि वालों के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट राशि यदि कोई है इस धरती के ऊपर तो दो, धनु और कन्या, बहुत गुणवान, विनम्र, समझू धनु राशि के जातक होते हैं, कन्या राशि के जातक होते हैं, हर चीज को बहुत पूरी तरह से समझ करके आगे बढ़ते हैं। मीन राशि की जो कमजोरी है कि वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते उनको बेवकूफ समझते हैं, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी में कभी भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो खास करके मीन राशि वाले अपनी जीवन व्यवस्था को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, लड़की के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, लड़के के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले बायोडाटा के अंदर ही चेक कर लीजिए कि धनु और कन्या राशि की लड़की है तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और मैंने इतने सारे धनु राशि के, खास करके मीन राशि के व्यक्ति को देखा है, शुरुआत में तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर जैसे तालाब सूख जाता है, उसी प्रकार से मीन राशि के जातकों की भावनाएं सूख जाती है। तो खास करके आप यदि जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहते हो, बढ़िया दोस्त बनाना चाहते हो, तो कर्क राशि का एक दोस्त बनाओ जो संतान, स्वस्थता, भावनाओं के अंदर वरदान प्राप्त कराएगा। तो मीन राशि वालों को किन से शादी करना है? धनु और कन्या राशि से। बहुत बेहतर चलेगा, बहुत बेहतर आपको लाभ मिलेगा और आपके लाखों रुपया मीटिंग में, शादी में, आज हजारों शादियां जो टूट रही है उनके अंदर ये गुरुदेव का अद्भुत रिसर्च आपको लाभ करेगा। और एक हमारी जो राशि रह गई है कुंभ राशि, तरंग की राशि, फिलोसोफर की राशि, जो मुझे ठीक लगा वही ठीक है, दुनिया की ऐसी तैसी दुनिया की, जो परिवार नहीं करता है, दुनिया कितना भी कहे कि इंसान खराब है लेकिन उनको लग गया कि इंसान अच्छा है, तो इंसान अच्छा है, उसको जो ठीक लगे वो ठीक, किसी की परिवार न करे, अपने रास्ता पर सदैव चलते रहे कुंभ राशि वाले। और उनको यदि लड़का या लड़की ढूंढना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो श्रेष्ठतम राशि है वृश्चिक और वृषभ। आप लड़के लड़कियां जो भी हैं, ऑपोजिट आप उन व्यक्तियों के साथ मीटिंग करते हो, शादी करते हो, तो बहुत 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 खुशनुमा वातावरण बन जाता है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी है वो साथ में रोते हैं, साथ में हंसते हैं, कुंभ और वृश्चिक का बहुत मिलन है। और वृषभ राशि वाले हैं, कभी कुंभ राशि वाले भटक जाए तो उनको रोक देते हैं, भटकने से बचाते हैं। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने, चौथ पुरोधर भद्रभाव स्वामी जी भगवान ने नवग्रह के अंदर, ज्योतिष संहिता, चरक संहिता, विश्व के अलग अलग महान ग्रंथों के अंदर गुड साइंस, विज्ञान छिपा हुआ है। ये अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, मैत्री का सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत है, और कुंभ राशि वालों के खास 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 बहुत बातें अंदर भरकर रखते, जल्दी बाहर नहीं निकलती है। और जो जो लोग ज्यादा बात भर करके रखते हैं, शरीर भारी हो जाता है। उन सभी लोगों को मन की बाहर सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए कन्या राशि के जातक को आप एक दोस्त बना दीजिए, आपकी मानसिकता और भावनात्मक स्थिति स्थिर हो जाएगी। मैंने बार बार राशियों को
कौन सी राशि के साथ मैरिज करना चाहिए, बहुत सरल रूप से उनके गुण धर्म क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, वो आपको सभी को बताया है। अब आपका कर्तव्य है कि जो जो भी अनमेरिड लोग हैं वहां तक ये वीडियो को पहुंचाना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे सारे युवा युवतियों की अच्छे घरों में शादी हो, अच्छे घरों में अपना जीवन का शुभारंभ है हो जाए। और आपको लग रहा है कि हमें पूरी तरह से हमारे बेटे बेटियों की शादी कराना है, जो जो भी बेड एनर्जी है उसका रिमूव करना है, जो 15 तारीख से 1 तारीख तक मैं विशिष्टतम सारी पूजाएं कराने वाला हूँ, फटाफट फटाफट आपकी कुंडली, आपका नाम, उसकी जो जमा राशि है वो भर करके रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। इतनी अद्भुत चीजें हैं, इतनी अद्भुत पूजाएं हैं, अवश्य में आपका संकल्प को पूर्ण करने में सहायता होगी। रिश्ते अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। सही राशि के साथ आपने विवाह किया होगा, पूरा जीवन अच्छा जाएगा। सही राशि का एक दोस्त मिल जाए, आप आपके जीवन को सदा आनंदित महसूस कर पाएंगे। तो इसी के लिए पूरा प्रेम युक्त आपका जीवन बने, पूरा आनंद युक्त आपका जीवन बने, और उसके अंदर ये वीडियो आपको बहुत बहुत बहुत, ये वीडियो से हजारों लोगों की शादियां हो, हजारों लोग एक अच्छा पार्टनर चुन सके, हजारों बिना काम की मीटिंगें बचे, हजारों रुपये बचे, और जल्दी से जल्दी हजारों परिवार में खुशियां लाए, यही हमारा जैन अनुष्ठान की भावना है। आगे में खास करके शनि देव के बारे में विशेष एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि 19 अप्रैल तक शनि जो है वो मकर राशि में है, 19 अप्रैल के बाद 8 महीना कुंभ राशि में रहेंगे, तो बाकी की 12 राशियों को क्या क्या अलग 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 उसके ऊपर प्रभाव दिखेगा, क्या क्या रुकावट आएगी, किसको बहुत सारे पैसे इस महीनों में कमा लेने चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कर लेने चाहिए, उनकी विशिष्टतम बातें आपको जानने को जरूर मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले हमारे जैन अनुष्ठान पे इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुंवारे हैं तो अब समय आ गया है कि जल्दी से शादी की तैयारी करते हुए बैसाख माह में उत्तम मुहूर्त में आपके जीवन में भी खुशियां आए, आपके जीवन में भी सफलता आए, यही भावधारा से 15 तारीख से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार।